हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी थी राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। तो मैंने सभी बच्चों के कमेंट पढ़े थे, तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट जो है वो आप लोग देते हो और वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से भी देखते हो, तो इसके लिए भी धन्यवाद। देखिए, आप लोगों के कारण ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी तो मैं भी आपको मोटिवेट कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते हो, तो इसके लिए धन्यवाद दोबारा से। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, सबसे फर्स्ट है कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन द्रस्दति और सरस्वती नदी घाटी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र, में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, ठीक है। तो मैं हाईलाइट करती जाती हूँ कि कौन कौन सी लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं किसकी, कालीबंगा सभ्यता की। ये कहाँ पर विकसित हुई है, घग्गर नदी के क्षेत्र में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और कालीबंगा नाम जो है वो क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर खुदाई के दौरान जो है वो क्या मिली, चूड़ियां। और पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले कौन है, अमलानंद घोष। 1952 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की, ठीक है। तत्पश्चात 1961 से 62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहां उत्खनन कार्य करवाया गया, ठीक है। तो खोज जो है वो की है 1952 में अमलानंद घोष ने, और उत्खनन कार्य जो है वो 1961 से 62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर ने की, ठीक है। तो याद रखना है उत्खनन कार्य और खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। उत्खनन कर्ता कौन है, बीबी लाल और बीके थापर। चलिए नेक्स्ट है, उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक खेत में 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की सवाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। यहां से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो देखिए, एक पूरे पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, और वो कौन सी है, एक तो ये सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, कौन, कालीबंगा, ठीक है। और यहाँ पर ईंटें जो हैं वो किसकी मिली हैं, मिट्टी की ईंट, ठीक है। इनको धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। तो पूछा जा सकता है मिट्टी की ईंट जो है वो कहाँ मिली है, कालीबंगा सभ्यता में मिली है। इसके अलावा यहाँ पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींचे हुए बर्तन भी मिले हैं, ठीक है, और उनका रंग जो है वो लाल होता था। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। एक खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण जो है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा भी जा चुका है कि कंकाल की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र मिले हैं, तो ये हमें कहाँ से मिले हैं, कौन सी सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि वहां पर मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज जो है वो होते होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहर जो है वह भी मिली है, ठीक है। तो याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता में मिट्टी की ईंट,
और लकड़ी की नाली, कंफ्यूज नहीं होना है, मिट्टी की ईंटें और लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर, बैलगाड़ी हवन, कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र, एक खेत में 2 फसलें और जोते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, बस ये 3-4 लाइनें जो है वो आपको याद रखनी है। चलिए, ये तो था कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4,000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। तो याद करना है कि आहड़ सभ्यता जो है वह उदयपुर की सभ्यता है, ठीक है, और कहाँ पर? आयड़ नदी के तट पर। ये सभ्यता आयड़ नदी के तट पर प्राप्त हुई है। और इसका जो, देखिए, 1953 ईस्वी में किसने? अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, तो इसकी खोज जो है वह की है अक्षय कीर्ति व्यास ने, उत्खनन कार्य किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया ने। तो चलिए फटाफट से बताइए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो किसने की? 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। ठीक है, याद रखना है। और उसके एक साल बाद आहड़ सभ्यता की खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो हम देखिए कंपैरिजन करिए, कालीबंगा सभ्यता में ईंटें जो थी वो मिट्टी की थी, यहां पर धूप में सुखाई गई ईंटें और पत्थरों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, पत्थर का प्रयोग होने लगा। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो उनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी, जो यहाँ तांबे के औजार और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो आहड़ सभ्यता जो थी वहां पर मकान जो है वह ईंटों और पत्थरों इसके बनाए जाते थे आहड़ सभ्यता में। ठीक है, आहड़ सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो है वो बहुत ज्यादा मिले हैं। ग्रामीण सभ्यता थी तो क्या, मिट्टी के बर्तन जो है वो बहुत ज्यादा मिले हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता था कि जब लोग मर जाते थे तो उन मृतकों को उनकी जो प्रिय वस्तु थी उसके साथ दफना दिया जाता था। जो अमीर लोग होते थे तो वो गहने आभूषण तो यही ज्यादा पहनते होंगे तो उनके साथ दफना देते थे। ठीक है, और जो गरीब होते थे तो उनके साथ उनकी प्रिय वस्तु को क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी बात आपको याद रखनी है? एक याद रखनी है कि आहड़ सभ्यता उदयपुर के पास विकसित हुई, आहड़ नदी के पास विकसित हुई, इसका जो खोजकर्ता जो थे वो अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में की, और उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल HD सांकलिया के निर्देशन में हुई, मकान ईंटों और पत्थरों के बनते थे, मृतकों के गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे, और मिट्टी के बर्तन यहाँ सर्वाधिक मिले हैं, जिससे क्या पता लगता है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता रही होगी। ठीक है, और आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार और उपकरण बहुत मिले हैं। नेक्स्ट करते हैं हम गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया गया। उसके बाद 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी
कौशल के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी में निर्धारित किया गया। गिलून से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले, चित्रित मृदभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखना है क्यों नहीं हुआ था, ग्रामीण सभ्यता थी तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसके साथ साथ पत्थर जो थे उनका भी यूज हुआ था, जबकि गिलुंड में इनका जो है वो प्रचुर उपयोग होता है, किसका, आग में पकाई हुई ईंटों का, ठीक है। तो ये सभ्यता जो थी वो क्या, विकसित सभ्यता कहलाई, कौन सी, गिलुंड सभ्यता। तो यहाँ पर याद रखना है राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड सभ्यता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। इसके अलावा यह सभ्यता जो है यहाँ पर पक्की ईंटें जो है वो मिली। चलिए नेक्स्ट करते हैं बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोठारी नदी तट पर, कहाँ पर, कोठारी नदी पर, आयड़ सभ्यता, आयड़ नदी के तट पर, कौन सी, आहड़ सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर। अब है बागौर सभ्यता, ये किस नदी के तट पर है, ये कोठारी नदी के तट पर है। डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो बागौर सभ्यता जो है वो कहाँ की है, भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोठारी नदी तट पर, ठीक है। और उत्खनन कार्य जो है वो किसने किया है, डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, क्योंकि क्या बताया इन्होंने बागौर सभ्यता के बारे में कि यह सभ्यता जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है तो यहाँ पर पाषाण के उपकरण मिलेंगे, पत्थर के मिलेंगे, तो मध्य पाषाण या लघु पाषाण के उपकरण जो है वो यहाँ मिलते हैं। किस सभ्यता से लघु पाषाण के उपकरण मिलते हैं, याद रखना है बागौर सभ्यता से। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र था, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है कि बागौर सभ्यता जो है वहां से लघु पाषाण उपकरण जो है वो मिले हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और बागौर से तांबे के उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं, तो ये दो लाइन जो है वो आपको याद रखनी है। गणेश्वर सभ्यता, अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में समझते हैं कि एक तो ये सभ्यता जो है वह है गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है। हमने देखा था कि आहड़ सभ्यता है उसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां तांबे के उपकरण मिले, लेकिन सबसे ज्यादा उपकरण यानी कि 99% तांबा जो है वो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हो रहा है, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ये जननी है, ठीक है। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यताओं के सबसे प्राचीनतम तांबे जो है वो यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। आहड़ सभ्यता से भी पहले, ये सभ्यता जो है वो कब की है, 2800 ईसा पूर्व की, तो आहड़ सभ्यता से पहले की ही हुई, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता जो है वो सीकर जिले की कांतरी नदी के उद्गम पर स्थित है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का भी प्रमाण है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि आहड़ सभ्यता जो है वो ताम्रवती नगरी है, जबकि गणेश्वर सभ्यता ताम्रवती सभ्यता की जननी है, ठीक है। यहाँ पर 99% तांबा जो है वो प्राप्त हुआ है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें क्या बोलते हैं, कुपश वर्णी मृदभांड कहते हैं,
और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि गणेश्वर सभ्यता भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, अब इनको हम थोड़ा सा फटाफट से पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। भीनमाल जालौर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा व यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, ठीक है। अब याद रखना है, भीनमाल जालौर की सभ्यता है और इसका प्राचीन नाम जो है वो क्या था, श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? ईसवाल उदयपुर में। यहाँ से क्या मिला है? लोह उद्योग के साक्ष्य। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी ये कहाँ पर है? तो ये है जयपुर जिले में। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का भापरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण मिलता है। तो बैराट के समीप जो है वो अशोक का भापरू अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि अशोक का भाबरू अभिलेख जो है वो किस जिले में मिलता है? तो वो है जयपुर जिला। बालाथल में प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। तो बालाथल सभ्यता जो है वह कहाँ है? उदयपुर की। प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल जो कि कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ओझियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोह भरतपुर में और नगर टोंक में। ये सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में आपके चार दे दिया जाए क्या, कि रंग महल हनुमानगढ़ में, ओझियाना भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में और जोधपुरा लिख दिया जाए झुंझुनू में, ठीक है, या जोधपुरा जो है वो बीकानेर में, ऐसे लिख दिया जाए और पूछा जाए इसमें से असंगत कौन सा है। तो यदि आप नहीं पढ़े होंगे ये सभी चीजें तो कैसे आंसर दे पाएंगे? तो कुछ तो आपको पहले से ही याद रहता है कि तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में है, बिल्कुल ये याद रहता है, नो भरतपुर में है ये भी याद रहता है, रंग महल हनुमानगढ़ में भी याद रहता है। तो कुछ जो नए है जैसे ओझियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, जोधपुरा जयपुर में और सुनारी झुंझुनू में, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्व पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। तो ये बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद हैं, जिनसे हमें वैदिक सभ्यता जो है उसके बारे में पता चलता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 64 से मिले हैं। तो यहाँ आपको नोट करने वाली बात नहीं है। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिले हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे कि यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था, ठीक है। तो ये तो प्राचीन जो है वो बात है और एग्जाम में आने वाली यहाँ से कोई बात नहीं है। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश जो कि बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था,
ठीक है। कौरव पांडव राज्य के अधीन कौन सा था? जंगल प्रदेश, जो कि आज वर्तमान में बीकानेर है। मत्स्य राज्य क्या था? उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य कहा जाता था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ तक भी नोट करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपको पता ही है कि मत्स्य की और सूरसेन इन जनपद की जानकारी जो है वो हमें महाभारत में मिलती है। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के बाद से महात्मा युद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य जो प्राप्त नहीं होते हैं। तो जब लिखित जानकारी ही नहीं प्राप्त होती है तो कैसा है वो इतिहास? अंधकारमय है। ठीक है, कहां से कहां तक का? महाभारत के युद्ध के बाद से लेकर महात्मा बुद्ध के समय तक का। ठीक है, क्योंकि इस समय के बारे में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम, जनपदों का उदय, और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो इस पैराग्राफ में भी लिखने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही याद करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके बाद भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय विकास पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद भी है। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ उनमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था, और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अंतर्गत चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सिवी जनपद कहलाता था। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मत्स्य जनपद जो है वो 16 महाजनपदों में शामिल था। ठीक है, इसके अलावा कुरु, सूरसेन और अवंती जो था वो किसमें था? महाजनपदों के अंतर्गत था। ठीक है, और देखिए इस लाइन को याद रखना है, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र जो है वो सिवी जनपद कहलाता था। तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सिवी जनपद। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योधेय, अर्जुनायन राजस्थान में आकर बसे। मत्स्य जनपद। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। ठीक है, रिपीट है ये लाइन, किसका उल्लेख हुआ? मत्स्य जनपद, जिसमें आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख जो किसमें हुआ? ऋग्वेद में, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशित की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, मत्स्य जनपद का उल्लेख और कहाँ कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, कौशित की उपनिषद में भी मिलता है, और महाभारत में तो मिलता ही है, इसके अलावा ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगल तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। किसमें? मत्स्य जनपद में। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक जो कौन था? विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर वैराट बसाकर इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या बन रहा है यहाँ, वो ये बन रहा है कि मत्स्य जनपद की राजधानी जो है विराट नगर, यह किसने बनाई? तो कैसे याद रखोगे, किसने बनाई? विराट नगर बनाई विराट ने। ठीक है, जो कि मत्स्य जनपद के शासक थे, और इसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात
मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हो गई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। शाल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती थी, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट कुछ नहीं करना है। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्ययुगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप बिल्कुल जानते हैं, इतिहास में आपने पढ़ी थी, तो यहाँ आपको नोट करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु जो 647 ईस्वी में हुई, उसके बाद भारत में क्या हुआ? राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी समाप्त होने लगी। छोटे छोटे राजवंश जो है वो स्थापित हो गए और यही क्या कहलाए? राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को क्या कहा गया? राजपूत काल कहा गया। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझने का विषय है, बिल्कुल भी लिखना नहीं है इसको। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मित ने लिखा है कि वे यानी राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को क्या कहा गया? राजपूत युग कहा गया। ठीक है, कब से कब तक को? 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक कहा गया राजपूत युग। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग जो है वो नया नहीं है, यानी राजपूत शब्द नया नहीं है, बल्कि ये तो प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग जो है वो मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाण भट्ट के हर्षचरित में, ठीक है, कादंबरी में राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है कि ये तो क्षत्रिय थे, ये राजपूत थे। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया कि यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो डॉक्टर ओझा जो है उन्होंने राजपूत को क्या कहा? राजपुत्र, राजा का पुत्र। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत का अध्ययन करेंगे। वैदिक आर्यों की संतान, ठीक है, डॉक्टर गौरी संघ हीराचंद ओझा तथा सी वी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। अब ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर गौरी संघ हीराचंद ओझा और सी वी वैद्य इन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान माना। ठीक है, उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहा है। उनके सुडोल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों के संतान थे। ठीक है, अब ये लाइन जो है वो बिल्कुल याद कर लीजिए अभी कि डॉक्टर गौरी संघ हीराचंद ओझा सी वी वैद्य
ये क्या बोलते हैं कि ये क्षत्रिय वर्ण की संतान थे और आर्यों की संतान। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा है कि राजपूत जो थे वो आर्यों की संतान थे, किसने कहा है कि डॉक्टर गौरीसंग हीराचंद ओझा ने। ठीक है, अग्नि कुंड से उत्पन्न, अब ये किसने कहा है, चंद्रवरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान कौन था, चंद्रवरदाई। इसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूत की उत्पत्ति अग्नि कुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने 4था योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से भी ज्यादा ताकतवर हथियार से सुसज्जित था और इसका नाम क्या रखा, चौहान रखा। चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई। ठीक है, अब वैदिक आर्यों की संतान कहने वाले हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और चंद्रवरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, ये उन्हीं वशिष्ठ द्वारा अग्नि कुंड से हुई है। और ये क्यों किया गया था यज्ञ, क्योंकि जो राक्षस थे वो मांस हड्डी इन सब को डालकर यज्ञ को अपवित्र कर देते थे, तो उन्होंने क्या किया, इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। जब ये भी असफल हो गए तो चौहान उत्पन्न हुए। इनका क्रम जो है वो कई बार पूछा गया है कि जो मुनि वशिष्ठ थे उनके अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए थे 4 योद्धा, तो उनका सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर फेरबदल कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल याद रखना है परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान। कैसे याद रखेंगे, प च और प च, ठीक है, याद रखना है प च कैसे, प से परमार, च से चालुक्य, प से प्रतिहार और च से चौहान। ठीक है, याद हो गया आपको। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः है प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हुई है। सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई, किसने बताई, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो जो डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं इसमें क्या बताया गया है कि वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। इसके अतिरिक्त तो उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहान का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का आकटे प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया। तो महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद टीका, जयदेव की का टीका जो है वो कौन सा है, गीत गोविंद, ठीक है, इसमें स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिदत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात को नहीं स्वीकारते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, टी आर भंडारकर कहते थे कि राजपूत जो है उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, तो उस बात का खंडन कौन कर रहे हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा।
वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों से नहीं हुई है। अब विदेशियों की संतान जो है वो राजपूतों को किसने कहा? राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक तथा सीथियन जाति के वंशज हैं। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। इनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आईं और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टॉड ने राजपूतों को शक सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार बी ए स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। ठीक है, अब स्मिथ जो है वो राजपूतों को बताते हैं कि ये तो हूणों की संतान है। ठीक है, विदेशी बताने वाले कौन है? एक तो स्मिथ है और दूसरे कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है, इसके विपरीत भी अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज की शक या सीथियन के रीति रिवाज से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलन में थी। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। तो यहाँ कुछ भी आपको नोट नहीं करना है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। तो अधिकांश विद्वान जो है उनका तो यही कहना है कि राजपूतों को क्या कहा है उन्होंने? आर्यों की संतान। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा होता है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट चैप्टर के ही अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका काफी बड़ा है और इस फर्स्ट चैप्टर में से ही आपके कई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से ही। तो इसी तरीके से करते रहेंगे हम तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।